बारा में आपका स्वागत है। ब्यूरोक्रेसी और मंत्री विधायकों में टकराव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल ये टकराव अब देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा है। दो दिन में समाधान नहीं तो आईएएस अधिकारी उठा सकते हैं बड़ा कदम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीकानेर कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर निकालने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद आईएएस अफसरों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज आईएएस अफसरों ने प्रमुख सचिव सीएम को ज्ञापन सौंपा है। मंत्री द्वारा कलेक्टर के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी दी और कहा कि अधिकारी सम्मानपूर्वक अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। ऐसे अमर्यादित वातावरण में ड्यूटी करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव होगा। 125 ऑफिसर्स ने आईएएस एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाने पर अड़े हैं और उचित निंदात्मक रिजोल्यूशन पारित करने की भी मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। प्रमुख शासन सचिव सीएम ने गंभीरता से प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुना और जल्द ही सीएम के स्तर पर उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दे दिया। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्या कुछ होता नजर आ रहा है आगे? देखिए, ब्यूरोक्रेसी और मंत्री विधायकों के बीच लंबे समय से जो कह सकते हैं अदावत है वो अब बढ़ती जा रही है। और बीकानेर कलेक्टर को जब मंत्री ने एक कार्यक्रम रंगमंच पे जो कार्यक्रम चल रहा था उसके दौरान बाहर मोबाइल पर जब वो बात कर रहे थे तो बाहर निकाला, तो मंत्री के बयान के बाद कह सकते हैं कि सरकार ब्यूरोक्रेसी में अब खुली लड़ाई हो गई है। पहली बार आईएएस ने भी कह सकते हैं मोर्चा खोला है। मोर्चा इस बात का खोला है कि कलेक्टर जिले का मुखिया होता है, उसके पास जिले की जिम्मेदारी होती है, कार्यक्रम में वो मौजूद थे और बिल्कुल तरीके से वो बात कर रहे थे। एक मंत्री का, दूसरे ही उनके साथी कैबिनेट मंत्री का उनका पास फोन आया था, रमेश मीणा के साथी, तो ऐसे में वो बातचीत कर रहे थे और इस दौरान मंत्री ने उनको बाहर भेज दिया। अब एसोसिएशन का गुस्सा इसलिए फूटा है कि जब जो मंत्री हैं उनके खिलाफ अब ये एसोसिएशन है लामबंद हो गई है। कल उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की थी, मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा सीएम के नाम और आज प्रमुख सचिव सीएम कुलदीप राका से आईएएस एसोसिएशन ने मुलाकात की है और मंत्री द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है उसके बारे में पूरी तरीके से अवगत कराया है। अधिकारियों ने कहा है कि जो अफसर हैं आईएएस हैं वो सम्मान से अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं और ऐसे अमर्यादित वातावरण में वो अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते हैं और ऐसे में ड्यूटी करना कठिन ही नहीं असंभव भी होगा। और करीब 125 से करीब आईएएस अफसर तो अब ये मांग करने लगे हैं कि आईएएस एसोसिएशन की एक आपात बैठक बुलाई जाए और इस आईएएस एसोसिएशन की बैठक में निदानात्मक रिजोल्यूशन पारित करने का भी यहां पर उठाने की मांग कर रहे हैं। साथ में दबाव ये बनाया जा रहा है अफसरों की ओर से कि आईएएस एसोसिएशन की बैठक बुलाकर मंत्री की जितनी भी बैठकें होती हैं उनका बहिष्कार भी किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं कुलदीप राका, उन्होंने सभी अधिकारियों के बातों को गंभीरता से सुना है। कल मुख्य सचिव से भी वो मुलाकात करी थी तो उनको ठोस आश्वासन मिला है कि सीएम स्तर पर वो उनका ज्ञापन, उनकी बात और उनकी जो गुस्सा है, जो जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया है उसको पूरी तरीके से सीएम को अवगत कराया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही आज जयपुर लौटे हैं। बिल्कुल, तो दीपक, अब इंतजार इस बात को लेकर जरूर होगा कि अब इसके इस मामले के मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता है, किस तरीके से जो तूल पकड़ रहा है मामला ये शांत होता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।